দাদা কিন্তু তুলে দিন ক্যামেরা কিসা বুঝলে বুঝলে না বস আবি তো আপেল লেতে উসকে বাদ টিম করে দেনা क्या नाम बनी सर सर खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के बारे में आपकी विचार खजुराहो फिल्म फेस्टिवल ये हमारा दूसरा सीजन है और आज जो फिल्म प्रदर्शित हुई है यहाँ पे भंवर घर पर खेरमाई प्रोडक्शन करके बनाई गई हम लोग चूँकि रूरल एरिया से हैं जो भी संसाधन थे उसको लेकर अपन ने फिल्म बनाई है लेकिन ये बात की हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस इंटरनेशनल फेस्टिवल में आज हमारी फिल्म प्रदर्शित हुई है बाकी मैं बहुत उत्साहित हूँ इस फिल्म को लेकर और मैं शुक्रगुजार हूँ गुदाजराव के लोगों का खजुराहो के लोगों का स्पेशली दाऊ साहब का राजा गुंडेला जी का जिन्होंने ये फिल्म फेस्टिवल शासन के द्वारा मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया और सर टपरा टॉकीज के बारे में आपके विचार आप बोलिए टपरा टॉकीज में बाकी में जो आज फिल्म प्रदर्शित की वो जिस व्यवस्थित ढंग से उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है बाकी काबिल तारीफ है और अद्भुत लगा आज मुझे ये फिल्म का वो करके आप डायरेक्टर हैं इस पिक्चर के ज्ञानन सिंह मुंदेला सचिन यादव प्रोड्यूसर राजू नाम दे प्रोड्यूसर सॉरी सर हम अलग से एक बार ले लेते हैं हाँ हाँ ठीक है ना कोई सर एक्चुअली कैमरा रुक जाओ बोलिए सर आप कुछ करिए हाँ सर आप इंट्रोड्यूस करा रहे थे आप हमारे ज्ञानेंद्र सिंह गुंदेला हैं डायरेक्टर हैं जब भंवर पिक्चर के मैं सचिन यादव प्रोड्यूसर एज ए एक्टर आप राजू नाम ने प्रोड्यूसर एक्टर गुंदेला सर आपके लिए क्वेश्चन है आपके जो विचार हैं खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के बारे में उसको थोड़ा कीजिएगा जी आपके असल में मैं आपको बताऊं कि ये बुंदेलखंडी के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि श्री राजा बुंदेला जी ने ये किया है और उनका ये प्रयास है कि बुंदेलखंड में जो भी आर्ट है चाहे आपका अभिनय का हो या वो चाहे संगीत का हो डांस का हो लेखन का हो मतलब कुछ भी मतलब जो आर्ट में जो सारी चीज़ें आती हैं उनका प्रयास है कि और उनका शुरू से एक सपना था कि अपने बंदे जब भी मतलब मैंने उनके बारे में जितना जाना है और जितना सुना है कि वो हमेशा से मुंबई में थे मगर उनका ध्यान हमेशा अपने धरती अपने बुंदेलखंड पर था बुंदेलखंड का कल्चर बुंदेलखंड की वो सारी चीज़ें और आपका मतलब कुछ भी चाहे पर्यटक के तौर पर हो चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो चाहे वो कला के माध्यम से हो तो उनका हमेशा से प्रयास था कि बुंदेलखंड के लिए कुछ करें और ये हमें लगता है कि हम सबका ये दायित्व होता है कि हम जहाँ के हैं हमें अपने उस भूमि के बारे में सोचें और वहाँ के क्षेत्र के बारे में सोचें चाहे वहाँ का कल्चर हो चाहे पर्यटक हो कुछ भी तो हमने ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हम जैसे फिल्म मेकरों का जो छोटे छोटे फिल्म मेकर हैं जो एक हम लोग अपने अपने एक सपने लिए हो सकता है कि मुंबई नहीं जा पाते हैं मतलब कोई कारण होते हैं सबके हर कोई मुंबई नहीं जा पाता मगर ये एक उनका अच्छा प्रयास था कि यहाँ पे बुंदेलखंड के जो छोटे छोटे फिल्म मेकर हैं एक्टर हैं राइटर हैं डायरेक्टर हैं वो अपनी अपनी फिल्मों को यहाँ पर लाएँ और यहाँ पर जो बाहर के लोग जो बड़े बड़े डायरेक्टर राइटर आ रहे हैं वो यहाँ की लोकल की फिल्में देखें उनका आपस में जुड़ाव एक आपस में आए उनके विचारों का और हम सब के विचारों का एक लेन देन हो जिससे जो हम लोगों को मंजिल चाहिए शायद उनके विचारों के माध्यम से लेन देन से हम लोग बाहर निकल सकते हैं सर आप फिल्म मेकर है आपने बहुत बार कई बार टॉकीज गए होंगे तो सर टपरा टॉकीज आपको कैसा लगा उसके बारे में जी देखिए कि ये तो ये कॉन्सेप्ट गुंदेला जी का था क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ है और जो मेरी उम्र है तो मैं उस वक्त तो था ही नहीं जब ये टपरा टॉकीज वगैरह थी मगर आज मैंने जाना कि ये उस वक्त जब सिनेमा दिखाया जाता था जब साधन नहीं थे सिनेमा को दिखाने के लिए तब उस वक्त इस तरीके की टॉकीजें मतलब हुआ करती थी तो मेरे लिए तो बड़ा एक नया अनुभव है कि भाई ये भी एक अच्छा है कि चलो हम सब एक समान की तरह बैठे हैं ना कोई टिकट का फील हो रहा है और अच्छा लग रहा है तो ये मेरे लिए एक नया अनुभव है कि टपरा टॉकीज पहले कैसे सिनेमा हुआ करता था आज की तो हम दो लोग नई जनरेशन है चले जाते हैं मगर आज जाना टपरा टॉकीज है क्या धन्यवाद सर थैंक यू वेलकम